नवरात्रि का त्योहार समाप्त हो चुका है। अब देश भर में दिवाली और छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले दशहरा का जश्न होगा, जब देश भर में रावण के पुतलों को जलाया जाएगा। ऐसे में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हर साल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो है पॉल्यूशन। खासकर देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के NCR इलाके में पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। इससे विजिबिलिटी लो हो जाती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, साथ ही सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगती है। दशहरा दिवाली के नजदीक आते ही देश के बाकी हिस्से भी धुएं की चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि ये धुआं आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? तो बात कुछ ऐसी है कि पटाखों से निकलने वाले धुएं में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सीधा लंग्स पर असर डालते हैं। दशहरा दिवाली का त्योहार आते ही खांसी और अस्थमा की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है। हर साल सरकार दशहरा और दिवाली से पहले पटाखे बैन का ऐलान करती है, हालांकि फिर भी चोरी छुपे पटाखे और आतिशबाजी की जाती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि पटाखे जलाने पर पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर कैसा असर डालता है। और सबसे आम बीमारी है अस्थमा। दशहरा और दिवाली के बाद हवा में प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ती है। इसमें जिंक, सोडियम, लीड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं। खराब हवा में सांस लेने पर ये गैस आपकी सांस नली में जाते हैं। इससे सूजन बढ़ती है और ब्रीदिंग में परेशानी होती है। आगे जाकर ये ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम अस्थमा बन जाती है। सबसे मेजर पॉइंट है हार्ट अटैक। लाजमी है कि खराब हवा में सांस लेने से जब हमारे लंग्स सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो इसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर हमारे दिल पर होगा। ये कहा जाता है कि दिल के मरीजों को पटाखे वाले धुएं से बचकर रहना चाहिए। पटाखे वाले केमिकल्स हार्ट अटैक का भी कारण बनते हैं। एक और वजह है पटाखे की तेज आवाज। आपने अक्सर देखा होगा कि पटाखे जलाने पर आसपास बैठे जानवर और छोटे बच्चे तेज आवाज से डर जाते हैं। इससे उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जो कि बॉडी के लिए सही नहीं होता। खराब हवा में कैडमियम नाम का केमिकल होता है। रिपोर्ट्स की माने तो कैडमियम खून से ऑक्सीजन को खत्म करता है। अगर कोई लंबे समय में धुएं में सांस लेता है तो उस व्यक्ति को एनीमिया जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। पटाखों से फेफड़ों पर असर तो पड़ता ही है, साथ ही पटाखों से निकलने वाली रंग बिरंगे रेज बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स और रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कलरफुल केमिकल्स कैंसर को बढ़ावा दे सकते हैं। पटाखों से निकलने वाला धुआं प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इन केमिकल्स में सांस लेना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब नवजात शिशु अपंग पैदा होते हैं, जिसके पीछे की वजह केमिकल्स बताई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज पॉल्यूटेड हवा में ज्यादा समय तक रहती हैं, तो उनका गर्भपात यानी कि अबॉर्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पटाखे जलाने से एयर पॉल्यूशन के साथ साथ साउंड पॉल्यूशन भी होता है। इतने हाई लेवल पर शोर की वजह से हाई BP और डिप्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप ज्यादा समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप सही तरीके से नींद नहीं ले पा रहे। यही वजह तनाव या कहें कि स्ट्रेस की वजह बन सकती है। इससे लोग एंजाइटी महसूस करते हैं, साथ ही लोगों का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। शनिवार को देश भर में दशहरा का जश्न मनाया जाएगा। त्योहार में एंजॉय करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान जरूर रखें। अगर किसी जरूरी काम से आपको बाहर जाना पड़े तो मास्क लगाएं। साथ ही पॉसिबल हो तो आप घर पर एयर प्योरिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप और आपका परिवार सेफ और हेल्दी रह सकता है और त्योहार का दोगुना मजा उठा सकता है।